हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कनिष्का कौशिक। वेलकम यू ऑल ऑन टॉपर स्टॉप। सो क्या होता है कि जैसे पहले भी हमने जब डैम्स को डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया था कि एक छोटी छोटी न्यूज़ होती है जिनको हम एक जनरल न्यूज़ सोच के छोड़ देते हैं और बाद में सिविल सर्विसेज, ईपीएफओ और यूपीपीसीएस तीनों ही एग्ज़ाम्स ऐसे हैं जिनमें कि आपके जो एक एनालिटिकल नेचर है उसको जज किया जाता है। तो यहाँ पर रिवर्स जो इस तरीके से हम एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं स्टैटिक पोर्शन से, बट जो न्यूज़ में होती है उन्हें छोड़ देते हैं। तो टॉपर स्टॉप आपके सामने वो सभी जो है रिवर्स के लिए वीडियो लेके आया है जो न्यूज़ में आई है और आपके एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम घाघर हाकरा रिवर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, ये जो घाघर हाकरा रिवर है ये बेसिकली मानसून सीजन की रिवर है जो कि आपका डाउन स्ट्रीम ऑफ बैरिस शिवालिक हिल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश से आती है। तो ये बेसिकली शिवालिक हिल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश से ओरिजिनेट होती है। एक ये पॉइंट आपको याद रखना, और फिर आपको याद रखना कि पंजाब और हरियाणा के थ्रू ये फ्लो होते हुए राजस्थान के अंदर जाती है। हरियाणा में ये सिरसा से फ्लो होती है और वहीं पे जो तलवारा झील है राजस्थान के अंदर ये वहाँ से जाती है। तो आपको एक चीज़ याद रखनी कि ये सीजनल रिवर्स की कैटेगरी के अंदर आती है। एक बार मैं आपको मैप में इसे दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे आप ये वाली जो रिवर देख रहे हैं घाघरा हाकर है, और ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी यहाँ पे, मतलब जो इंडस रिवर है उसी का एक पार्ट थी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो जोजारी रिवर है वो न्यूज़ में क्यों थी, बिकॉज़ यहाँ पे आप न्यूज़ जो क्लिपिंग है वो देख सकते हैं कि इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट जो था वो चोक हो रहा था जोजारी में। और आप ये देखें यहाँ पे इस तरीके से ये जो है एक बबल्स बन रहे हैं, और ये किस वजह से बन रहे हैं, क्योंकि जो ये रिवर थी इसके अंदर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया था जिसकी वजह से फिर ऐसी कंडीशन बन गई थी। तो जोजारी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, जोजारी जो रिवर है वो पहली बात तो राजस्थान के अंदर आती है, और ये नॉर्थ ईस्ट राजस्थान से शुरू होती है और साउथ वेस्ट राजस्थान की तरफ जाती है। ये नागौर डिस्ट्रिक्ट के जो पोंदू विलेज है उसकी तरफ जाते हैं, मतलब उसके हिल से शुरू होती है और बाद में जाके लूनी रिवर से मिल जाते हैं। तो आपको यहाँ पे जो फैक्ट्स याद रखने हैं वो ये कि कहाँ से ये शुरू हुई है, कौन सी रिवर के साथ ये मिली है, और फिर कौन से सी में जाके ये मर्ज हो गई है। तो ये लूनी रिवर से जाके मिल जाती है, और जो बेसिकली ये वाटर सप्लाई होता है जोजारी रिवर का वो जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर होता है। तो ये वाले फैक्ट्स आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं तवी रिवर को। तो अगर आप जम्मू कभी गए होंगे, आपने नॉर्मली भी सुना होगा, तो जम्मू के इवन जो स्टेशंस हैं उनको भी जम्मू तवी के नाम से जाना जाता है। तो तवी रिवर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिवर है जो कि जम्मू के अंदर प्रेजेंट है। ये बेसिकली जो है कैलाश कुंड ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है और फिर ये साउथ वेस्ट मूव करती है डोडा डिस्ट्रिक्ट में। डोडा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे, जम्मू के अंदर है। ये बेसिकली फिर जम्मू सिटी को क्रॉस करके पाकिस्तान के अंदर जो पंजाब प्रेजेंट है उसमें मिल जाती है और फिर चेनाब रिवर को ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये वाले फैक्ट्स याद रखने कि ये पाकिस्तान के अंदर भी फ्लो होती है और लास्ट में चेनाब रिवर को वहां जाके जो मर्ज कर लेती है। और उसके बाद ये देखना है कि जो चेनाब है इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि मान लीजिए एक रिवर का आपको नाम दे दिया जाता है और फिर उससे पूछा जाता है कि राइट ट्रिब्यूटरी कौन सी है और लेफ्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है। तो अगर मैं ऐसे सच बताऊं तो गंगा के बारे में ऐसा पहले क्वेश्चन आ चुका है, यूपीएससी सिविल सर्विसेज में क्वेश्चन आ चुका है कि कौन कौन सी राइट ट्रिब्यूटरी थी गंगा की। तो यहाँ पे आपको याद रखनी कि चेनाब की जो है ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। तो ये स्पेसिफिक वर्ड याद रखेगा। और बेसिकली जो है वो न्यूज़ में क्यों थी, क्योंकि जो फ्लो ऑफ वाटर था तवी के अंदर वो कम होता जा रहा था, क्योंकि जो ग्लेशियर था वो थोड़ा सा रिट्रेट हो रहा था, सूखता जा रहा था, मतलब कि जो मेल्ट था वो होता जा रहा था, जिसकी वजह से तवी रिवर की फ्लोइंग की प्रॉब्लम आ गई थी। फिर आती है मुला मुथा रिवर जो कि महाराष्ट्र के अंदर प्रेजेंट है। ये बेसिकली मुला मुथा रिवर जो है ये पुणे की सिटी के अंदर जो है सप्लाई करती है वाटर को और बाद में जाके भीमा रिवर से मिल जाती है। जब ये मुला मुथा रिवर जो है भीमा रिवर से मिलती है, फिर भीमा रिवर जो है वो जाके कृष्णा रिवर से मिल जाती है, और फिर लास्ट में बे ऑफ बंगाल के अंदर ये सारी रिवर्स जो है एम्प्टी हो जाती है। तो ये वाले फैक्ट्स याद देखिएगा। पहले मूलम था वो किससे मिली, भीमा से। भीमा किससे मिली, कृष्णा से जाके मिली। इनकी क्योंकि ये रीजनल है, सीजनल रिवर्स हैं, तो इनके मैप बहुत मुश्किल से मिल रहे थे, फिर भी जो पिक्चर मुझे मिल सकी मैंने उसके अंदर डाली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये तवी रिवर यहाँ पे फ्लो हो रही है जम्मू से, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू जो है ये उसके बिल्कुल पास है। तो जो मेन सेंट्रल एरियाज है उससे तवी रिवर फ्लो होती है। और अगर मैं मुला मुथा रिवर के बारे में आपको बताऊं तो यहाँ पे देखिए ये पुणे आपको दिख रही है सिटी, और ये मुला रिवर आपकी हो गई और ये मुथा रिवर हो गई जो कि पुणे डिस्ट्रिक्ट को
सप्लाई करती है। फिर आती है डरना रिवर, तो डरना रिवर जो है वो भी महाराष्ट्र के अंदर आती है और ये गोदावरी की जो है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, बट ये बहुत माइनर ट्रिब्यूटरी है, मतलब कि थोड़ी सी आती है, तो गोदावरी की ये ट्रिब्यूटरी है। उसके बाद ये कहाँ पर सप्लाई करती है, ये नासिक डिस्ट्रिक्ट के अंदर सप्लाई करती है, महाराष्ट्र के अंदर। और अगर हम देखते हैं कि ये राइस कहाँ से होती है, तो जो नॉर्दर्न स्लोप्स हैं कुलांग हिल फोर्ट के, जो कि नासिक के अंदर प्रेजेंट है, ये वहीं से ओरिजिनेट होती है। फिर आती है उलास रिवर, उलास रिवर भी है जो महाराष्ट्र से, तो आप देखिए कि महाराष्ट्र की कितनी ज़्यादा रिवर्स है। इवन जो कल मेरे एक टीम मेंबर ने, सर ने एक पोस्ट किया था, तो उसमें भी आपने आंसर किया था, उसका भी आंसर जो था महाराष्ट्र ही था। तो महाराष्ट्र की जो रिवर्स है वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। तो ये जो है एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, उलास रिवर जो है जो वेस्टर्न इंडिया महाराष्ट्र से फ्लो करती है, और ये सप्लाई करती है ड्रिंकिंग वाटर इन द सिटी ऑफ बदलापुर और नवी मुंबई। तो ये वाले फैक्ट्स भी आपको याद रखने हैं। इमेजेस जो है इसकी थोड़ी सी मिली मेरे को, तो यहाँ पे देखिए ये उलास रिवर जो है ये फ्लो हो रही है, और फिर ये बाद में थाने क्रीक से इस तरीके से जाके आगे जा रही है और अरेबियन सी में जाके फिर ये डायरेक्टली मिल जाएगी। उसके बाद जो उलास रिवर थी, सॉरी डरना रिवर जो थी, उसका सिर्फ मेरे को इस तरीके से एक मैप बेस ये मिला था कि ये नासिक डिस्ट्रिक्ट में इस तरीके से सप्लाई करती है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं रामगंगा रिवर को, तो रामगंगा रिवर जो है वो उत्तराखंड के अंदर प्रेजेंट है, और ये बेसिकली उत्तराखंड के अंदर जो दूधार तोली रेंजेस है उससे ओरिजिनेट होती है। ये साउथ ईस्ट की तरफ फ्लो करती है इन कुमाऊँ हिमालय, ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है, और ये गंगा की ट्रिब्यूटरी है जो कि हाई एल्टीट्यूड नमिक ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। तो एक बार मैं आपको रामगंगा दिखा दूँ, इसकी पिक्चर फिर भी मुझे ठीक ठाक मिल गई। तो यहाँ आप राम गंगा देखिए, यहां से फिर जो है गंगा आनी शुरू हो जाती है, और यही उत्तराखंड के अंदर ही गंगा से राम गंगा मिल जाती है। उसके बाद एक चीज जो आपको एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से याद रखनी, और ये रिवर और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ये कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है उससे भी फ्लो होती है, जो कि नैनीताल के अंदर है, और ये बेसिकली फिर प्लेन्स में भी डिसेंड होती है गंगा के थ्रू ही। यहाँ पे जो है एक एनुअल फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया जाता है जिसको गंगा दशहरा के नाम से जाना जाता है, तो वो भी इसी के बैंक्स के पे ऑर्गेनाइज किया जाता है एट द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। फिर नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं नायर रिवर को या फिर नारद गंगा को, ये भी उत्तराखंड के अंदर प्रेजेंट है। ये एक पेरिनियल नॉन ग्लेशियर रिवर है जो कि बेसिकली जब बारिश आती है उसी टाइम भरती है, तो ये नॉर्थ इंडियन स्टेट ऑफ उत्तराखंड के अंदर प्रेजेंट है। इसकी जो है दो ब्रांचेस है, एक तो है नायर ईस्ट और एक है नायर वेस्ट। ये रामगंगा रिवर के साथ फ्लो होती है, और ये जो ओरिजिनेट होती है जो डेंस फॉरेस्ट है, या फिर जो दुधा तोली एक जगह है उसके डेंस फॉरेस्ट है, वहां से ये शुरू होती है, और फिर बाद में जाके मर्ज करके और रिवर्स के साथ नायर रिवर को फॉर्म कर देती है। सतपुली के टाइम में, सतपुली जो है वो एक ऐसी जगह है कि जो लेफ्ट बैंक ऑफ नायर ईस्ट रिवर फॉर्म करती है, तो ये उस जगह से फ्लो होती है। ये बेसिकली लार्जेस्ट नॉन ग्लेशियर पेरिनियल रिवर है, तो ये वाला फैक्ट आपको याद रखना है, जो कि उत्तराखंड स्टेट से फ्लो होती है, मतलब कि उत्तराखंड स्पेसिफिकली ये लार्जेस्ट नॉन ग्लेशियर पेरिनियल रिवर है। और उसके बाद जो दूसरी आती है वो आती है रामगंगा, जिसको अभी हमने डिस्कस किया था। तो रामगंगा हम देख ही चुके हैं, यहाँ से रामगंगा आ रही है उत्तराखंड के अंदर। फिर डिस्कस करते हैं लास्ट में कसबनी या काबिनी या फिर कपिला रिवर को, जो कि केरला के अंदर प्रेजेंट है। एक चीज़ और, इसकी जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और अब तक वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फर्स्ट टाइम देख रहे हो और वीडियो को लाइक कीजिए। तो कसबनी काबिनी है या फिर जो कपिला रिवर है केरला के अंदर जो आती है, ये रिवर कावेरी की मेजर ट्रिब्यूटरी है जो साउदर्न इंडिया से फ्लो होती है, और केरला के जो वायनाड डिस्ट्रिक्ट है उससे ये फ्लो होती है, और इसका जो कॉन्फ्लुएंस है वो पनामरम रिवर जो है उसके ऊपर भी आता है, और जो मनंतवाड़ी रिवर है उसके ऊपर भी इसका असर होता है, मतलब कि उसमें भी कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन अपना करती है। ये कावेरी रिवर को ज्वाइन करती है ईस्टवर्ड फ्लो करके इन कर्नाटका। फिर डिस्कस करते हैं पंबा और पंपा रिवर, जो अभी लास्ट है वो भी केरला से फ्लो होती है। तो यहाँ पे बेसिकली ये जो है पिरामिड प्लेट्यू जो है उससे शुरू होती है, जो कि एक एल्टीट्यूड पे है 1650 मीटर्स के, और फिर ये इदुक्की डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला में चली जाती है। ये डिस्टेंस कवर करती है 176 किलोमीटर का, ताकि ये रिवर को आगे जाके ज्वाइन कर सके और अरेबियन सी में मिल सके, और नंबर ऑफ चैनल्स अपने फॉर्म भी करते हैं। तो एक चीज़ आपको याद रखनी कि केरला की ये थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर है आफ्टर पेरियार, और जो भारत पूजा है ये लॉन्गेस्ट रिवर है, तो इसमें ये याद रखना। और दूसरी चीज़ याद रखनी है कि जो
ये फ्लो होती है, ये प्रिंसली स्टेट ऑफ त्रिवेंकोर से भी फ्लो हुआ करती थी। जो सबरीमाला टेम्पल है जो कि लॉर्ड अयप्पा के लिए बेसिकली डिवोट किया जाता है, और ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी रहा है, ये रिवर पंबा के ऊपर ही सिचुएटेड है, उसके बैंक के ऊपर, ये चीज़ याद रखनी है। और उसके बाद ये जो रिवर है इसको दक्षिण भगीरथी भी कहा जाता है, या फिर रिवर बारिश भी कहा जाता है। एंशियंट टाइम में रिवर बारिश कहा जाता था, और अब इसको दक्षिण भगीरथी के नाम से भी जाना जाता है। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। तो अभी आज मैंने इसमें कोई क्वेश्चन नहीं डाला है, कल वाली वीडियोस में मैं और क्वेश्चंस डालूंगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।